Subscribe 3 Vloggers and press bell icon for new interesting videos. उसने एक मांगने वाले को झट से कुछ निकाल कर दे दिया। मैंने कहा कि भाई देखभाल कर देना चाहिए, ये फ्रॉड लोग होते हैं और आम इंसान के जज्बाए नेकी को एक्सप्लॉइट करते हैं। फरमाने लगे, आपने बजा फरमाया, मैं पहले ऐसा ही करता था, फिर एक वाक्ये ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। मैं धर्मपुरा लाहौर में अपने घर से साइकिल पर निकला था कि ठेकेदार से अपने बकाया जात वसूल कर लूं। मैं स्टील मिल फिक्सर था और एक कोठी के लेंटर के पैसे बाकी थे, मगर ठेकेदार आजकल पर टरखा रहा था। मैं साइकिल पर जा रहा था कि एक शख्स अपना बच्चा फुटपाथ के किनारे लिटाए अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी का किराया मांगता फिर रहा था। वो कभी किसी पैदल का बाजू पकड़कर हाथ जोड़ देता, मेरा बच्चा बचा ले, मुझे टैक्सी का किराया दे दे, तो कभी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर रोकता, कभी किसी कार वाले के पीछे भागता कि वो कार में उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा दे। कोई रुकता तो कोई ना रुकता, जो रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आप वाली सोच सोच कर उसे डांटता, काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जो साइकिल साइड पर रोके एक पांव जमीन पर टेके उसका तमाशा देख रहा था, अचानक उसकी नजर मुझ पर भी पड़ी। उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया, भाईजान खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ले, उसको सख्त बुखार है, आप नीचे उतर कर उसको देख तो लें, आपको यकीन आ जाएगा, आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार आ जाए। मगर मैं भी आपकी तरह सोच रहा था। फिर जिस जारहाना अंदाज में उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, लगता था कि इधर मैं साइकिल से उतरा और उधर वो साइकिल पकड़कर भाग जाएगा। मैंने भी उसे काम करके खाने की तलकीन की और पिछले जुमे में सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी। कमाकर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और अपना हैंडल छुड़ाकर बुड़बड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। हरामखोर हमें बेवकूफ समझते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब मैं बकाया जात वसूल करके वापस आया तो वो अभी उसी जगह खड़ा मांग रहा था। बच्चे को अब वो सड़क के पास ले आया था और उसके चेहरे से कपड़ा भी उठा रखा था। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। अब वो बच्चे के कफन दफन के लिए मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोक कर पांव से नीचे टेका और मैयत के चेहरे की तरफ देखा। फूल की तरह मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब में जो कुछ था, बकाया जात समेत, सब बगैर गिने निकाल कर बाहर फेंका, और इससे पहले कि उसका बाप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, साइकिल उस तेजी से चलाकर भागा गोया सारे लाहौर की बलाएं मेरे पीछे लग गई। मैं घर पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद मुझे बुखार ने आ घेरा। बुखार भी कुछ ऐसा था गोया मेरे सारे गुनाहों का कफारा उसी बुखार से होना था। घर वाले मुझे अस्पताल के लिए लेकर निकलते और मैं चारपाई से छलांग लगा देता। मुझे अस्पताल नहीं जाना था। मैं उसी बच्चे की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना चाहता था। 2-3 दिन के बाद बुखार को तो आराम आ गया, मगर मैं जहनी मरीज बन गया। मुझे लगता गोया मेरा अपना अकलौता बेटा जो 3री क्लास में पढ़ता था वो उस बच्चे के कफारे में मर जाएगा। मैंने बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया। बीवी के बार बार इसरार के बावजूद मैं बच्चे को स्कूल तो क्या दरवाजा खोलने भी नहीं जाने देता था। 40 दिन गुजर गए थे और बच्चे का नाम स्कूल से कट गया था। वाइफ ने अपने भाई से बात की जो दुबई की कंपनी में कैशियर था। उसने मुझे बाहर बुलाने के लिए पासपोर्ट बनाने को कहा, मगर एक तो मैं शनाख्ती कार्ड भी पैसों के साथ निकालकर बच्चे की मैयत पर फेंक आया था, दूसरा मैं खुद भी बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। वो 40 दिन कयामत के 40 दिन थे। 40वें दिन 10 बजे के लगभग हमारे घर का दरवाजा बजा। दरवाजा मैंने खुद ही खोला और सामने उस बच्चे के बाप को देखकर मुझे चक्कर आ गया। मुझे लगा जैसे हम दोनों आमने सामने खड़े खला में चक्कर काट रहे हैं।
दरमियान में बच्चे का चेहरा भी आ जाता। मेरी कैफियत से बेखबर उस बाप ने मुझे दबोच लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो कुछ कहने की बजाय मेरी ठोड़ी को हाथ लगाता और उसे चूम लेता, जबकि मैं पत्थर का बुत बने उसकी गिरफ्त में था कि अचानक मुझे झटका लगा और मेरी चीख कुछ इस तरह निकली जैसे किसी को पानी पीते वक्त अच्छू लग जाता है और पानी उसके मुंह और नाक से बह निकलता है। मैं उस बच्चे के बाप को सख्ती के साथ सीने से लगाए यूं रो रहा था गोया उसका नहीं बल्कि मेरा बच्चा मर गया है। हमारे रोने से घबराकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता 40 दिनों का गुबार निकला। उसको मैं घर में लेकर आया। मोहल्ले वाले भी आ गए थे जिन्होंने उस आदमी से बहुत अफसोस किया। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से मेरा शनाख्ती कार्ड निकाला और मुझे वापस किया, फिर जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगा कि आपके पैसे बड़े बरकत वाले थे, शायद आपके खलूस की बरकत थी कि मेरे बहुत सारे काम हो गए, सारे अखराजात के बाद कुछ पैसे बच गए थे, उनमें कुछ पैसे मैंने उधार लेकर डाले हैं, ये आप कबूल कर लीजिए, बाकी मैं बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगा। मैंने पैसे वापस लेने से सख्ती के साथ इनकार कर दिया और मिन्नत समाजत करके उसे पैसे रखने पर राजी कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ बतौर स्टील फिक्सर आ गया। मैं जी जान से काम करता था। चंद माह में तरक्की करके फोरमैन बन गया। 3 साल बाद मैंने साले की मदद से अपनी कंपनी बना ली। बाद मैंने साले की मदद से अपनी कंपनी बना ली और उस बच्चे के वालिद को भी अपनी कंपनी में बुला लिया। आज वो मेरी कंपनी में फोरमैन है। उस बच्चे के बाद अल्लाह ने उसे 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा, मगर उसे साइकिल वाला किस्सा मत बयान कीजिए। वो आज तक नहीं पहचाना कि मेरी साइकिल रोककर उसने मुझसे सवाल किया था। वो मुझे वलीउल्लाह समझता है जिसने उस बच्चे की लाश देखकर सब कुछ निकाल कर दे दिया। कारी साहब, उस दिन के बाद मैं किसी का हाथ खाली नहीं लौटाता। थोड़ा सा देने से ना वो अमीर होता है और ना मैं गरीब होता हूँ। बस दिल को तसल्ली होती है कि मैं इस बच्चे का खून बहा अदा कर रहा हूँ। रह गई लूटने की बात तो कारी साहब, हमें कौन नहीं लूटता? जूते वाला हमें लूटता है, कपड़े वाला हमें लूटता है, सब्जी और गोश्त वाला हमको लूटता है। इतना लूटने के बाद अगर कोई हमें अल्लाह के नाम पर लूट ले तो शायद हशर में हमारी निजात का सामान हो जाए कि ये बंदा मेरी खातिर मेरे नाम पे लूटता रहा है। Subscribe 3 bloggers and press bell icon for new interesting videos.